कर लेते हैं चले भाई, चले चले करवाएं। फाइंड आर व्हेन वन एल इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर एल इज इक्वल टू 52 और सेंटीमीटर अल्फा इज इक्वल टू एंगल आ गया। हाँ बोले बोले। 45 डिग्री। एंगल जो है हमारे पास थीटा लगा लें इधर 45 डिग्री। अब फार्मूला तो हमारे पास है कि फार्मूला कहता है एल इज इक्वल टू आर थीटा, हमने फाइंड भी उधर आर ही करना है, उसने बोला आर निकाल दें, है ना, आर हमने फाइंड करना है। अब मसला ये है कि एंगल उसने जो दिया 45 डिग्री में दिया, यहाँ पे हमारा काम थोड़ा अजाफी हो जाएगा, हमें काम करना पड़ेगा। 45 डिग्री है, इसको चेंज करेंगे 45 इंटू 1 डिग्री में। अब हमें पता होना चाहिए 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 45 रेडियन में, है ना। 45 और 1 डिग्री इक्वल होता है पाई बाय 180 के, और ये मेरा ख्याल है 9 के टेबल से दोनों कटते हैं और नीचे 6 आ जाता है, आई बिलीव 5 9 5 और 9 के टेबल का 9 2 टाइम और 0 5 1 टाइम 5 4 टाइम, तो ये आपके पास आ जाता है पाई बाय 4। ये पाई की वैल्यू आप 0.3.1416 रख सकते हैं। अब इस फार्मूले में हम चीज़ें रख सकते हैं, लेंथ कितनी है हमारी 52, आर कितना है पता कोई नहीं, थीटा कितना है पाई बाय 4, ये इधर डिवाइड हो रहा है तो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा, और इसको 52 इंटू 4 करके 3.1416 से डिवाइड 20 टोटल करके सब कुछ कर करा के ऊपर मल्टीप्लाई कर कितना आ रहा है 208 डिवाइडेड बाय 3.1416, याद कर लें पाई की वैल्यू 3.1416 होती है। लास्ट क्वेश्चन ही होगा ये, बस इसके बाद नहीं करेंगे हम, तो कल पढ़ेंगे ना, 27 मिनट हो गए। हाँ 66.20, तो राउंड ऑफ करें तो 66 ही आ जाएगा। नहीं भी ठीक हुआ तो कैलकुलेशंस चेक कर लीजिएगा, मेथडोलॉजी इसकी यही है। मेन आज आपका काम ये है कि आपने डिग्री क्या है उसकी डेफिनेशन, रेडियन क्या है उसकी डेफिनेशन, और इसका यूज़ कि 2π किसके इक्वल होता है, पाई किसके इक्वल होता है, दिखा दे रहा किताब। इसकी ना डिग्री और रेडियन की जो डेफिनेशन है ना, वो समझ नहीं आती हमें कि वो क्या कह रहा है। बिल्कुल बेसिकली अभी तो कोटर्मिनल एंगल रह गए हैं, भी बड़ी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, सेंटर में अगर एंगल बन रहा है, ये वाली पढ़ के बताता हूँ, सेंटर से सबटेंड किया गया एंगल, एंगल बन रहा है थीटा, और ये एंगल स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा है द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, एक आर्क की वजह से ये बन रहा है, हुज लेंथ इज, जिसकी लेंथ इक्वल है रेडियस के बराबर, हुज लेंथ इज इक्वल टू, इसकी लेंथ जो है रेडियस के बराबर है, तो उसको हम बोलेंगे इज रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड 1 रेडियन, ये डेफिनेशन है। और दूसरी तो आसान ही है, 360 बराबर, अगर डिग्री में ये पकड़ ले अपनी तरी बेचारी हो बिखर जाने हैं, लॉकडाउन में शहीद हो गया, मिल भी नहीं रही है ना, वो ढूंढ ढूंढ के उस दिन आया, किताबें ढूंढ कर लिए क्वेश्चन तूने, चले देखते हैं अभी ठीक हो गया। कल अब हम कहाँ से पढ़ेंगे, कल हम बात करेंगे थोड़े से कोटर्मिनल एंगल पे, कुछ और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के बराबर, सेक्सागेसिमल सिस्टम में डिग्री मिनट सेकंड में कैसे चेंज करें, ये क्योंकि हमने वो तो आज सीख लिया, एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं कितने सेकंड होते हैं, वो चीज़ें हमने सीख ली। डिग्री मिनट सेकंड से हम निकालेंगे कि एक मिनट में कितने सेकंड्स हों डिग्रीज होंगे, तो फिर उसके ऊपर बात करेंगे। चलें जी, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी देखें इसको, ओखा ही काम है हाँ, लेकिन कॉपीज़ लेकर नोट्स बनाएं तो फिर आपको याद हो जाएंगे बहुत ज़्यादा।